हे दोस्तों, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, ये कोई फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कैसे आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत आपका दिमाग का होगा। आप लोगों को पता होगा कि स्मार्टफोन के इस टाइम में हर एक चीज के लिए एप्लीकेशन है। वो खाना ऑर्डर करना है, वो उसके लिए आप अगर चाहते हैं गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, फ्रेंड बनाना, कुछ गाड़ी बुक करना है, शॉपिंग करना है, इस सभी चीजों के लिए आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। क्या आपको ये पता है आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इससे जो लोग एप्लीकेशन ये बनाया है वो कितना करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं? और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप भी आपका खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं और करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं अगर आपके अंदर वो भूख है, कुछ करने की चाहत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसको प्ले स्टोर, आईट्यून में वगैरह में डाल के, यानी कि अपलोड करके कितना रुपया कमा सकते हैं। इसके लिए आपको, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोडिंग नॉलेज नहीं है, डिजाइन नॉलेज नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में कोडिंग, डिजाइन वगैरह वगैरह लगता है। मगर यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी डिजाइन नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा वे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन हो सकते हैं खाने के बारे में, हो सकता है आप कुछ फिटनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप बहुत ही इजीली एक एप्लीकेशन खुद का बना सकते हैं और उसको प्ले स्टोर, आईट्यून वगैरह में अपलोड करके करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुदेशना और आप देख रहे हैं इंडियन टेक मीडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में जाना है और स्क्रीन में जाके मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दूंगी कैसे कैसे आपको एक एप्लीकेशन बनाना है और क्या क्या करना है, कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ हम लोग थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो इसके लिए पहले आपको appipy.com में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं appipy रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारा ऐप बिल्डर है मगर appipy नंबर वन है, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो appipy बनाता है और वो लोग वही एप्लीकेशन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कैसे appipy से आप खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो स्टेप अभी दिखाऊंगी आप लोगों को उसको फॉलो करना है आपको। और यहाँ पे आप एक फ्री एप्लीकेशन बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट स्टार्ट बटन दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। गेट स्टार्ट में अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एंटर बिजनेस नेम, यहाँ पे आपका जो बिजनेस नेम है वो आप डाल दीजिए। आपका जो भी आपका बिजनेस नेम है और जो भी आप नाम डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिजनेस नेम हो गया। नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है। आप भी ऑनलाइन बिजनेस, इंफॉर्मेशन, रेस्टोरेंट, बहुत सारा है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो अभी आप किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिए और अभी मैं इंफॉर्मेशन चूज कर लेती हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। आपको फेसबुक पेज का जो नेम है वो आप डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा चूज योर ऐप डिजाइन। यहाँ पे आपको बहुत सारा लेआउट मिल जाएगा, देख सकते हैं सुंदर सुंदर सा लेआउट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें से आप कोई भी एक लेआउट को चूज कर सकते हैं। अभी अगर आप सोचिए कि ये लेआउट अगर हम लोग चूज करते हैं, अगर इसको चूज करेंगे तो वो भी होगा। तो इस तरह का आपको एक लेआउट चूज करना है, बहुत सारा है और ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में है, इसके लिए आपको कोई भी पे करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद लेआउट चूज करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में ही आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा माई फीचर्स।
यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा फीचर ऐड किया गया है, और आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करके फीचर्स ऐड करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस बटन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इवेंट को ऐड करना तो इवेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फीचर्स को एडिट करना चाहते हैं तो इस बटन में क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अभी अबाउट अस में हम लोग क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इस जो ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करना तो वो हम बहुत ही इजी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने अभी एक डामी टेक्स्ट लिख दिया, और ये अगर हम लोग कॉपी कॉपी करके लिख देते हैं तो यहाँ पे वो शो करेगा। इसके बाद आप ये जो कंटेंट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ऑप्शन को आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद आप अगर चाहते हैं इसको सेव करना तो सेव कर लीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा अबाउट अस में जो चेंजेस किया है। आपको ये पेज जरूरत नहीं है तो आप इस पेज को बहुत इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिया गया है, डिलीट में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे पूरा जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं फोन के अंदर आपने जो एप्स अभी बनाया है उसका लुक्स कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पे आपने लिखा था इंडियन टेक मीडिया वो आ रहा है, यहाँ पे बटन दिया गया है, बटन में यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, सर्च बार दिया गया है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और अभी न्यूज़ में जाएंगे तो न्यूज़ पेज में चला जाएगा। यहाँ पे अब देखिए इस तरह से आपका जो पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ सिस्टम पेज का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने एप्लीकेशन पेज के ऊपर लॉगिन को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन दिया गया है, और लॉगिन में आप यहाँ पे देखिए लॉगिन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, इसको आप एनेबल कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। जैसे कि हर एक एप्लीकेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही आपके एप्लीकेशन में भी ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए हमारा राइट साइड में इसका व्यू आ रहा है, सुंदर सा स्लिक सा एक डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। फाइनली आपका एप्लीकेशन जब भी रेडी हो जाएगा तब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन यहाँ पे दिख रहा है इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तभी कुछ के पास साइन इन का पेज आएगा, मैंने यहाँ पे पहले ही साइन इन करके रखी हूँ। साइन इन आप गूगल से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप फ्री चाहते हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, यहाँ बहुत सारा फैसिलिटी भी दिया जाएगा। अगर आप प्लेटिनम लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाएगा, मगर अभी हम लोग फ्री ही करते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को फ्री करना है। तो यहाँ पे चूज प्लान कर लीजिए, चूज प्लान में अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, अभी 15-20 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और अपने फ़ोन में यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो यहाँ पे इस लिंक को आपको कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है और डाउनलोड करना है, और QR कोड से भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप्स को जो अभी आपने क्रिएट किया है। आप एक iOS यूज़र है तो यहाँ पे इस लिंक को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है और आप अपने जो अभी एप्लीकेशन बनाया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इस लिंक को डाउनलोड करना है, अभी डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे लॉन्च ऑप्शन आएगा, आप लॉन्च ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ओके कर दीजिए। तो आपको तो पता है आप कोई और सोर्स से अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको अननोन सोर्स इनेबल करना है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आपको सेटिंग्स में रह जाके डेवलपर को परमिशन देना है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन रन करेगा आपके फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे कैंसिल और इंस्टॉल दोनों का ऑप्शन है, अभी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तभी देखिए इंस्टॉल पूरा कंप्लीट हो गया है, ऐप
इंस्टॉल यहाँ पे आप डन कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक यूआई देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अलाउ कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो डिजाइन बनाया था एपीपाई में, वही डिजाइन, सेम डिजाइन यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप इनर पेज में जाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। इवेंट में जाके आप इवेंट चेक कर सकते हैं। अभी इवेंट पेज में अब मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आप अगर इवेंट पेज क्रिएट कर लेंगे तो उसमें आपका इवेंट पेज शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप खुद एक एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजिली। इसके लिए आपको कोई डिजाइन स्किल और डेवलपमेंट स्किल का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा जो मैंने ये जो स्टेप आप लोगों को बोला है इसको फॉलो कीजिए, इससे ही आप एक पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये पूरा बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आप इसको ऐप स्टोर और आईट्यून में डाल के अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। तो अभी आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हुआ तो आप एपीफाई में जाके फीचर्स में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए यूजफुल है। इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे बहुत ही इजीली आप एक खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कुछ रुपया कमा सकते हैं। ये कोई फेक नहीं है। अगर आप कुछ मेहनत करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पे आप पूरा फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और ये एप्लीकेशन बनाने के बाद आप इसको प्ले स्टोर, आईट्यून वगैरह में अपलोड करके कुछ अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि हम लोग जब भी नया वीडियो डालेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।